नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बतासे चाहिए। ये बतासे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बतासे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बतासों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बतासे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बतासे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बतासों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बतासों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहां पर
आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8 बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन सोच को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें।
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं,
यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को। केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है,
चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने
जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8 बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों, और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं,
यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को। केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है,
चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहां पर
आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8ों बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 साबुत 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। ज़रूर करें,
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हो और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु उन वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं,
यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को। केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है,
चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहां पर
आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8ों बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 साबुत 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें,
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 साबुत 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं,
यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को। केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है,
चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहां पर
आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8 बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम गांजा। जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। ज़रूर करें
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से
प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा।
जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने
जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8ों बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 साबुत 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। ज़रूर करें,
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से
प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को। केवल 8 बताशे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बताशे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाएं छुटकारा।
जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहां पर
आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बतासों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बतासे लेने हैं। आपने इन 8 बतासों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बतासों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करें। इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें। किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फ़ोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है, क्योंकि नशा ऐसा है कि
एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो या आपका पति करता हो या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है, उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं, उन नशों को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नशे की हालत में आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और आपका पूरा परिवार परेशान रहता था। आपके नशे के कारण आपका पूरा परिवार परेशान रहता था, तो वो परिवार आपका बहुत खुश रहने लगेगा। केवल छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जरूर करें,
इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को केवल 8 बतासे लेने हैं आपने, और शनिवार के दिन आप इस वशीकरण विधि को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। आपने केवल 8 बतासे लेकर आपने उस व्यक्ति के सर से 8 बार घुमाना है, और किसी भी उजड़े हुए जंगल में आपने जाकर रखाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने केवल शेयर ही करना है। आपके एक शेयर करने से यदि एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो यदि आपका कोई कार्य भी रुक रहा होगा, आपके इस एक भले के कारण आपका वो रुका हुआ काम जरूर पूर्ण होगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बहुत सरल सरल वशीकरण विधियाँ जरूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नशे की लत से पाए छुटकारा। जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लग गई है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो अफीम की हो, चाहे वो फोन की हो, आप उस व्यक्ति की या आप अपनी खुद की उस लत को सुधारना चाहते हैं, उस लत से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये नशे की लत इतनी बुरी है कि आपके किसी भी कार्य को वो ठीक से पूर्ण नहीं होने देती। ऐसा नशा जिसके करने से आप अपने परिवार को या अपने मित्रों को, सभी को छोड़ देते हैं, परंतु आप नशे को नहीं छोड़ पाते। ऐसे नशे जो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले अपने बच्चे के नशे को ठीक करने के लिए, बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत से डॉक्टरों पर दवाइयां भी ली, उसके बावजूद भी उनके बच्चे की वो लत नहीं ठीक हो रही है। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जो बहुत लंबे समय से एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को इतनी बुरी लत लग गई है नशे की कि वे नशे के अलावा कोई और काम ही नहीं करता है या करती है। क्योंकि नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं। नशा आपका बच्चा करता हो, या आपका पति करता हो, या आपके बच्चे करते हो, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से उन्हें नशा मुक्त कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, परंतु वे हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप और भी ऐसी ऐसी सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधियाँ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सरल वशीकरण विधियाँ होंगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएंगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपने उन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिस भी परिवार में बच्चे या पुरुष बहुत ही ज़्यादा नशे करते हों, और आप उन्हें नशा मुक्त करना चाहते हैं, उनके नशा मुक्त करने के लिए आपने बहुत से इलाज करे, बहुत से
प्रयोग किए, परंतु वे नशा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका नशा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, वे बिल्कुल भी नशा ना करें, तो आप इस छोटी सी वशीकरण विधि को जरूर करें। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको केवल 8 बताशे चाहिए। ये बताशे आपको दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपने 8 बताशे लेने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन बताशों को प्रसाद में भी प्रयोग किया जाता है। आपने केवल 8 साबुत बताशे लेने हैं और आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। इस प्रकार से आपने सरसों का तेल लेना है और 8 बताशे लेने हैं। आपने क्या करना है, पहले आप सरसों के तेल को अपने हाथ पे लगा लें। इस प्रकार से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने पूरे हाथ पे इस प्रकार से आपने लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 बताशों को आपने अपने हाथ में रखकर एक एक करके इन सभी पर आपने तेल लगा लेना है। सभी को आपने तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी बताशों को अपने हाथ में पकड़कर, हाथ में लेकर, जिसको नशे की लत लगी हुई है उनके सर से आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 8 बार घुमाने के बाद आपने जहाँ पर आपके घर के नज़दीक उजड़ा जंगल हो, उजड़े जंगल में जाकर, या उजड़ा स्थान हो, उजड़ा हुआ घर हो, वहाँ पर आपने इन बताशों को जाकर घेर देना है। वहाँ पर रखने के बाद आप वहाँ से वापस आ जाए। आप जब आप इसे रख कर वापस आ रहे हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। आपने केवल 8 बताशे लेने हैं। आपने इन 8 बताशों को आपने आपके बच्चे के ऊपर से या आपके पति के ऊपर से, आपने जो भी आपके परिवार में या आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके आप जो गंदे नशे कर रहे हैं उन नशों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 8 बताशों से कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वशीकरण। इस वशीकरण के प्रयोग करने से आपके नशे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा ना ही शराब पीने को, ना ही अफीम, गांजा, जो भी आप गंदे गंदे नशे करते हैं।